विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। बता दें कि पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं अब ये ट्रेन खजुराहो से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन तक चलेगी। वहीं इस मौके पर मौजूद खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटकों की पसंद खजुराहो है और अब इस वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से ये पर्यटक व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। इस अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया सहित रेलवे के प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का देश को समर्पित की है। उसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खजुराहो लोकसभा को बुंदेलखंड क्षेत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का खजुराहो लोकसभा की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रवास के दौरान यहाँ पर कहा था, जनता को उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ही खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज आइकॉनिक सिटी को हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। आज ये नई सौगात मिली है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ये रेल कनेक्टिविटी केवल मात्र ट्रेन की सुविधा नहीं है, ये विकास के नए आयाम खड़े करेगी। औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी ट्रेन का आना, हाईवेज के निर्माण के साथ खजुराहो बुंदेलखंड का कनेक्ट होना, एयर कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में नई सौगातें मिलना, ये साबित करता है कि आगामी समय में अपने बुंदेलखंड में खजुराहो के क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी और विकास को एक नए आयाम इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ।